हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ डे 4 और अभी हम लोग हमारा रिजॉर्ट में है। अभी बज रहे 9:30 सुबह के और हमने कुछ ये नाश्ता मंगवाया, आलू पराठा एंड चाय, जिंजर टी। सो यहाँ पे सीन ऐसा है कि ब्रशवुड विला रिजॉर्ट में आप लोग अंदर रेस्टोरेंट नहीं है, सो वो लोग आपको एक बाहर के रेस्टोरेंट का मेन्यू देते हैं। मतलब अंदर रेस्टोरेंट है बट वो भी बाहर से ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है मतलब ऑर्डर कर सकते हो बट वो भी बाहर से ऑर्डर करते हैं। सो इट्स बेटर कि आप ही बाहर से ऑर्डर कर दो, यहाँ पे रूम नंबर दे दो और रिजॉर्ट का नाम दे दो, आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। फूड इज रियली अमेजिंग, खाना अच्छा है। हाँ, हमने कल ही टेस्ट किया था। क्या खाया था कल हमने? हमने सब्जी रोटी खाई थी। हाँ, कल हमने सब्जी पनीर भुर्जी एंड रोटी खाई थी और काफ़ी अच्छा था टेस्ट। अभी हम लोग खा रहे आलू पराठा एंड चाय और यहाँ से फिर स्नैक्स भी लेके आए थोड़े से। हाँ, ये थोड़े स्नैक्स लेके आए, नीचे ही शॉप है क्योंकि अगर हम लोग भूखे मरने वाले हो तो। डेफिनेटली आप ध्यान रखना कि आप अगर स्कूटी या कार लेके जा रहे हैं तो अपने साथ लाइसेंस डेफिनेटली रखें, बिकॉज मेरा दो बार चेक हो चुका था। मेरा लाइसेंस एक महीने पहले ही आया है तो मैंने इस बार स्कूटी चलाई है गोवा में, बहुत ज़्यादा नॉर्थ गोवा में, तो मेरा दो बार लाइसेंस चेक कर चुका है, तो मेक श्योर लाइसेंस लेके निकलेगा। आप कितने भी हॉट दिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइसेंस चेक हो गए थे। लड़का लड़की कुछ भी कैसे भी दिख रहे हो लाइसेंस जरूर चेक करेंगे, तो मेक श्योर कि लाइसेंस लेके आए। हम लोग पहुंचे काबो दे रामा फोर्ट और वहां पे हमने पीछे पार्क किया है और लेडी थी बहुत स्वीट सी। हाँ, वो बोल रही डोंट, क्या बोल रही थी? हाँ, मैंगो मेरे मत पेड़ से निकालना, बाकी सब चले गए। नहीं नहीं मैडम, अगर हम लोग किसी को पकड़ेंगे तो आपको आपके पास लेके आएंगे अगर कोई आपका मैंगो चुरा रहा है वहां से। तो अंदर में फोर्ट के रुइंस है, एक चर्च है वाइट कलर का, मैं भी आपको दिखाता हूँ, और एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको जो बीच है उसका व्यू मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग है, तो वो भी ऊपर जाके दिखाएंगे। और आई थिंक यहाँ से आपको एक पेबल बीच करके बीच है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। सो विल फाइंड आउट अ वे टू गो टू पेबल बीच और देखते हैं। सुना है बहुत ही छोटी सी बीच है। गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है यार, बहुत ही गर्मी है। मार्च में मत आना, वो हालत खराब हो जाएगी। वहाँ से हम लोग चलते हुआ है, दिस इज द वे, यहाँ से चलते हुआ है, अभी वहाँ आगे और जाना पॉइंट है, बट यहाँ से भी मस्त व्यू दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। आई गेस वहाँ पे भी कोई पॉइंट है बट अभी हमें पता नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो अभी सामने लास्ट वाला जो पॉइंट है दिस वन, वो देख के आते हैं, फिर पेबल बीच कहाँ से जाना है वो एक बार पता करते हैं। लेट्स गो। एट द टॉप देयर इज दिस व्यू पॉइंट, यहाँ से आपको जो समंदर है उसका मस्त व्यू पॉइंट मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू क्लिक सेल्फीज फोटोज और इंस्टाग्राम के लिए, दैट्स डेफिनेटली मस्ट विजिट स्पॉट।
हमने कोई फ़ोटो नहीं खींचे, बहुत गर्मी है भाई। अब हमें रास्ता मिला है, मे बी पेबल बीच है नीचे जाने का, सो लेट्स चेक दैट आउट। सो एज़ यू कैन सी मेरे पीछे पेबल बीच का बोर्ड है, तो आप सामने व्यू पॉइंट है, वहाँ से उतर के भी आ सकते हो। और इस तरफ भी फोर्ट है, वहाँ फोर्ट के राइट साइड पे भी एक रास्ता निकलता है ऐसे, तो दोनों रास्तों से आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे। पहुंच गया पेबल बीच, बहुत ही छोटा सा बीच है और बहुत ही उपटंग रास्ता है नीचे आने का। और पेबल बीच इसलिए बोला जाता है क्योंकि छोटे बड़े बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा बीच है। लेट मी शो यू। कठिनाई वाली चढ़ाने ऊपर, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कहीं जाऊँगी तो बाल ऐसे गिर के दिखाऊंगी, ऐसे ऐसे फोटो खिंचाऊंगी, गोबर हो जाते हैं। इतनी गर्मी लग रही है ना मेरे को, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पानी में डूब जाऊँ दो तीन मिनट के लिए। तो यहीं से गांधीनगर निकल जाए ना पानी से, मैं तो तैरते तैरना भी नहीं आता ना मेरे को बच्चा। नहीं नहीं, वो ट्यूबलाइट निकल पर, मैं जेट्स की लेके जाऊँ, जेट्स की लेके सीधा वो कांकरिया लेक वाली जगह पे निकलूंगी। कांकरिया लेक पे ये होता है वो क्या बोलते हैं गर्मी का असर। अरे बहुत गर्मी। अब हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं अंगोड़ा या अंगोड़ा ऐसा कुछ है, कहाँ जा रहे हैं हम? अंगोड़ा बीच है, हम पेड़ ढूंढ रहे हैं, वहाँ लटक जाएंगे जाके कहीं पर। और फिर वहाँ से रिजॉर्ट, और फिर वहाँ से एक और बीच है, पता नहीं आज तो वही चलेगा। फोटोशूट दिखा मैं शुरू किया बहुत। और ये लड़की कब से फोटोशूट कर रही है यहाँ पे, हैरी पॉटर वाले कपड़े पहन के। हाँ जूम भी होगा, बट मुझे सारे पत्थरों को नाप चुकी है, मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा ऊपर उड़ाएगी हवा आएगी और पैराशूट की तरह। 3 hours later. So guys, finally हम लोग पहुँच गए अगोंडा बीच। अगोंडा बीच, और थोड़ी यहाँ से मतलब कंपेरेटिव वहाँ से थोड़ी गर्मी कम लग रही है, हवा ज़्यादा चल रही है। सो अभी हमने पार्किंग का दिया 200 rupees, विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा है 200 rupees, अनलिमिटेड आवर्स और 6-7 hours, पर फिर भी 200 इज़ वे वे कॉस्टलियर देन वेयर वी वर स्टेइंग, वेयर वी आर स्टेइंग। वहाँ पे 100 rupees दिया, तो हमने 20-20-30 हाँ नॉर्थ में 20-30-50 दिया, यहाँ पे 100 हमने दिया था और दिस इज 200। मे बी पार्किंग हमने एक दो जगह और होती में भी सस्ती होती वहाँ ना, हमने देखा नहीं ना। और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर पार्किंग इसलिए थोड़ी ज़्यादा है, बट लुक एट दिस बीच। जितनी भी बीचेस अभी तक घूमे हैं उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और शांत अभी यही लग रही है। अरे दोपहर है बच्चा, गर्मी भी है। वाह देखो, गर्मी है दोपहर है, बट बहुत ही कम लोग हैं और वाटर इतना ब्लू मस्त लग रहा है और बहुत ही शांत है, मतलब हार्डली 10-15 लोग होंगे उस तरफ होंगे शायद, तो यहाँ तो कोई है नहीं। सब ये सब ना, और यहाँ पे ऐसे ही शैक्स बने हुए हैं पर लंच और स्नैक्स आप कर सकते हो। अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे, थोड़ा पानी में खेल के आते हैं। ये माउंटेन के इस तरफ है ये बीच, और वो हम जो गए थे ना कल पालोलेम, वो माउंटेन्स के उस तरफ है, क्योंकि ये वाला माउंटेन वहाँ से भी दिखता है ना। हाँ हाँ वही यही लग रहा है। हमने महावीर्स किचन करके कोई शैक था वहाँ पे लंच किया, बहुत अच्छा था, चना मसाला एंड रोटी। और यहाँ ना सारी ऐसे बीच पे आप रुक सकते हो, बीच हाउसेस आपको मिलेंगे 1500-2000 पर नाइट का रेंट होता है, एसी नॉन एसी सब कमरे होते हैं। तो अगर आप गोवा आ रहे हो, अगर आपको ऐसे बीच पे रुकना है, देन प्रॉपर्टी के ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग, और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। अभी ऑफ सीज़न है तो काफ़ी सारे रूम्स हैं वो खाली है, मतलब अगर नवंबर दिसंबर के आसपास आप आ रहे हो सीज़न में, तो एक तो रूम्स आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस होगा। सो मेक श्योर कि 4 महीने पहले बुक करो, 4 महीने पहले बुक करा दो, और ऐसी जगह पे रहना तो ज़्यादा मज़ा आएगा पर देख। हाँ लोग तो है काफ़ी बीच में, मैंने बोला था 15-20 लोग तो ऐसे दिख रहे थे, गोरे हैं, गोरे। पानी बहुत साफ़ है, पानी
अभी तक जितनी बीचेस हम लोग घूमे सबसे क्लीन वाटर यहीं का है। वो आगे ना मुझे एक ही अफसोस हो रहा है कि अगर मेरे पास ड्रोन होता ना तो ये जो ब्लू वाटर आप मेरे पीछे देख रहे हो बहुत ही अमेजिंग है। ड्रोन का व्यू आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं, आप वीडियोस देखो, सब्सक्राइबर हमारा जो बढ़ाओ, व्यूज़ बढ़ाओ तो थोड़े पैसे आएंगे और तो हम लोग ड्रोन भी ले पाएंगे। बट दिस इज़ रियली अमेजिंग, लुक एट दिस, कितना क्लीन वाटर है ये। फाइनली वी आर डन विथ अगोंडा बीच और यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोज़ और रील्स ले लिए हमने इंस्टाग्राम के लिए। और इंडियन यहाँ पे काफ़ी, मतलब चार पांच इंडियन से ग्रुप में वो नहा रहे हैं, आगे भी काफ़ी लोग नहा रहे हैं, गोरे थोड़े ज़्यादा है। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं हमने रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट के बाद हम लोग जाएंगे पालोलेम बीच, और एक और बीच है जो हमें कवर करनी है। और मेरा प्लान ऐसा कि पालोलेम पे शायद मैं भी आज नहा ही लूँ। फाइनली गोवा में इतने दिन से आया, मैं कभी नहाया नहीं कि मेरे बाल की थोड़ी मुझे फिक्र थी, मैंने थोड़ा कुछ स्मूथनिंग और वो करवाया था, इसीलिए मुझे मना किया था, मना किया था नहाने के लिए। बट देखते हूँ थोड़ा सा अंदर जाके एक्सपीरियंस ले लूँगा, शावर कैप पहन के थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँगा कैसा रहता है नहाने का। और अब हम लोग चलते हैं हमारे रिजॉर्ट और आपको मिलते हैं वहीं पर। हाँ बोल तो हम कवर कर नहीं पाए पारा रोड। हाँ पारा रोड जो नॉर्थ साले, इतना हमें पता नहीं था कि पारा रोड नॉर्थ में है। और जहाँ पे हम लोग जिस रिजॉर्ट में रुके थे ना वहाँ से सात किलोमीटर सिर्फ 7 किलोमीटर दूर था। हमारे पास स्कूटी भी थी, आधे दिन में ऐसे नल्ले भी बैठे थे तो कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं था। मुझे लगा साउथ में होगा, इतनी ब्यूटीफुल जगह है तो साउथ गोवा में होगी। जब साउथ गोवा के सर्च किया पारा रोड नॉर्थ में निकला, थोड़ा इस बार आइटनरी बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। अब गोवा में आएंगे, अब कल हम लोग जा रहे हैं पंजीम, और पंजीम में 3-4 जगह जो फेमस है, चर्च है दो गोवा में जहाँ पे सिंगम की शूटिंग हुई थी वो, और सिम्बा की शूटिंग हुई थी वो, तो 4 लोकेशन कल हम पंजीम में कवर करने वाले। तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच फॉर अवर पंजीम व्लॉग। करने कौन सा बीच है? पटनेम बीच जाने की ट्राई कर रहे थे, हमें लगा दो कार आ रही है अंदर से तो पार्किंग होगा, पर पार्किंग नहीं है। अब थोड़ा फास्ट टाइम फ्यूरियस खेल रहे हैं हम लोग। अगर आप पटनम भी चाह रहे तो मेक श्योर यहाँ पार्किंग नहीं है कार की, बाहर ही पार्क करके आए। सो फाइनली हमें एक पार्किंग मिल गई, और अभी इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन से लाल कलर के सिटी में हम लोग आके, देखना कैमरे में देख, कैमरा क्यों ऐसा हो गया पता नहीं, वो ऐसा ही हो जाता है। बट अच्छा है फाइनली एक पार्किंग मिल गई, पेड 50 रुपीज में 2 आवर्स वर्थ इट है। और यहाँ पे देखो सीन क्या चल रहा है अभी, अभी हम लोग आए पटने बीच, और पहुँचते हमें 7:15 हो गए तो अंधेरा हो गया, और आपको सब लाल लाल दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैं GoPro से शूट नहीं कर रहा, अभी मेरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा रिजल्ट अच्छा है। और बीच छोटा सा ही है बट काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे भी शैक्स है और स्नैक्स और वो सब आप ले सकते हो। तो डेफिनेटली मेरे अगर पीछे देखोगे तो आप सब लोग बैठे हुए ही है रात में, सो हम ऐसे ही शूट करें रात में क्योंकि यहाँ पर लाइट है नहीं, तो वहाँ भी लाइट चली गई है और हम ऐसे ही नीचे रेत पे बैठे हैं। फाइनली कोई बीच ऐसा है जहाँ पे हम लोग रेत पे बैठे हैं, थोड़ी सी लाइट और मार दे लाइट मार दे ताकि दिखे कि हम लोग यहाँ पे कोई और ब्लॉग ही नहीं कर रहा। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट प्लेस दैट वी विल बी कवरिंग इन साउथ गोवा, बिकॉज साउथ गोवा का, हाँ यही लास्ट प्लेस है क्योंकि कल हम जा रहे हैं पंजीम, तो पंजीम पे भी काफ़ी सारे प्लेसेस हमने मार्क किए हुए जो हमें कवर करने हैं, 4 प्लेसेस है। सो लेट्स सी, कल अभी जल्दी उठ गए तो हम लोग पंजीम चले जाएंगे। बाय द वे उठना ही है कल हमको, जल्दी उठना है क्योंकि 4 प्लेसेस हमें कवर करने हैं पंजीम में। सो दैट्स इट फॉर द साउथ गोवा ट्रिप, ये दिस इज द लास्ट प्लेस। पटनेम बीच अगर आप आना चाहते हो तो काफ़ी शांत है,
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट पंजीम वाला व्लॉग लाए हो और वो बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि प्लेसेस हमने मस्त चूज किया है. सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो वो जो वीडियो ड्रॉप हो आपको सबसे पहले अपडेट मिले. एंड वी विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय 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 बाय.